हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के कौन से शहर में सबसे पहले रोड पे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे और किस शहर को शिवाजी ने दो बार लूटने की कोशिश की थी। भारत का वो शहर जिस पर महान शासक चंगेज खान की नजरें भी थी, और एक बार तो चंगेज खान ने खुद इस शहर का दौरा भी किया था। यहां के सभी पकवानों में आपको मीठा जरूर मिलेगा और इसे भारत के सबसे अमीर शहरों में एक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहर की नालियों में हीरों के टुकड़े बहते हैं, साथ ही शहर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस शहर के बारे में बात करेंगे जिसे आज पूरी दुनिया डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। दुनिया के 90% हीरों के कटिंग एंड पॉलिशिंग इसी शहर में की जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य के एक बेहद ही प्रमुख शहर सूरत के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले बता दें कि सूरत को आज गुजरात की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। सूरत शहर की GDP आज $60 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है और यही कारण है कि इसे गुजरात की आर्थिक राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है। ये शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। आज के समय में सूरत की कुल जनसंख्या 60 लाख के आसपास है और ये भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। वहीं गुजरात में इसे दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। सूरत में धार्मिक आबादी की बात करें तो 85% लोग यहाँ हिंदू हैं, तो वहीं 11% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। 2.5% की आबादी यहाँ पर जैन समुदाय की है और इसके अलावा पारसी, ईसाई और सिख समुदाय के भी कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं। सूरत शहर की खोज एक हिंदू ब्राह्मण गोपी द्वारा की गई थी और उस समय शहर को सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। सूर्यपुर से कब इस शहर का नाम बदलकर सूरत हो गया, ये बात कोई नहीं जानता। सूरत शहर के बारे में रूस के मशहूर राइटर लियो टॉल्स्टॉय ने एक छोटी सी कहानी भी लिखी थी जिसका नाम उन्होंने द कॉफी हाउस ऑफ सूरत रखा था। दोस्तों, सूरत शहर को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, सन सिटी एंड ब्रिज सिटी जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। इस शहर में आपको हर जगह हीरे का काम होता हुआ नजर आ जाएगा। 8 से 10 लाख लोग यहाँ पर हीरे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में दुनिया भर में 90% हीरों के कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम सूरत में ही होता है और इसके बाद विश्व के तमाम देशों में भारत यहाँ से हीरों को एक्सपोर्ट करता है। सूरत में सालाना हीरे का व्यापार $30 बिलियन के आसपास पहुँच गया है। पूरे शहर में हजारों डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग यूनिट्स लगे हुए हैं। सूरत में स्थित हीरा बाजार के अलावा डच गार्डन, सूरत महल और कुछ और ऐतिहासिक जगहें आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, रेशम और बाकी टेक्सटाइल का काम भी यहाँ काफी बड़े पैमाने पे किया जाता है। 7.5 लाख से ज्यादा लूम्स सूरत में कार्यरत हैं और 450 से ज्यादा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। सूरत की सिल्क की साड़ी की डिमांड पूरे देश में है। हर औरत की ख्वाहिश होती है सूरत की सिल्क साड़ी पहनने की। सूरत में हर जगह आपको नए नए ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स बने हुए नजर आ जाएंगे, इसलिए इसे ब्रिज सिटी भी कहा जाता है। सूरत को आज भारत की चौथी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी माना जाता है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा आईटी हब भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक सर्वे के दौरान सूरत को भारत का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। साल 2016 में सूरत के रेलवे स्टेशन को देश के सबसे साफ रेलवे स्टेशन का खिताब दिया गया। पूरे सूरत शहर में कुल 9 तहसील हैं। दोस्तों, इसके अलावा सूरत शहर एक प्रमुख एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भगवान महावीर कॉलेज ऑफ फार्मेसी और ओरो यूनिवर्सिटी जैसे अनेकों प्रमुख कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। सूरत में बचपन से ही पढ़ाई पे काफी जोर दिया जाता है और यही वजह है कि आज इस शहर का लिटरेसी रेट 89% तक पहुंच गया है, जबकि देश की टोटल लिटरेसी रेट है 79%। जल्द ही सूरत को डायमंड सिटी में हाईटेक मशीन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यहाँ पे कुछ नए डिप्लोमा कोर्सेज की शुरुआत भी की जा सकती है। दोस्तों, सूरत के आसपास 50 किलोमीटर तक के एरिया में कई लोगों को हर साल हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आज के समय से इसकी तुलना की जाए तो लगभग 2500 मिलियन रुपए के आसपास होते हैं। कपड़ा और डायमंड के अलावा कृषि के मामले में भी सूरत काफी आगे है। सूरत और इसके आसपास के एरिया में कपास, बाजरा, दलहन, चावल, गन्ना, अंगूर और केले की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। सूरत की बरडोली शुगर फैक्ट्री पूरे एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री मानी जाती है। क्या आपको पता है सूरत भारत का पहला ऐसा शहर है जहां पर सुरक्षा के लिहाज से पहली बार सड़कों पे सीसीटीवी कैमराज लगाने की शुरुआत की गई थी। आज पूरे शहर में सभी प्रमुख चौराहों और सड़कों पे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए दिख जाएंगे। साथ ही एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत भारत का तीसरी सबसे बड़ी टैक्स पेइंग सिटी है। सूरत के लोग कितने अमीर होते हैं इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि एक प्रसिद्ध हीरा व्यापारी घनश्याम भाई धनजी भाई ढोलकिया हर साल दिवाली पे अपने कर्मचारियों को बोनस के तौर पे BMW और मर्सिडीज जैसी करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियों के साथ साथ फ्लैट्स भी देते हैं। कहते हैं कि सूरत शहर की नाली में भी हीरे के टुकड़े बहते हैं। दरअसल कटिंग और पॉलिशिंग के दौरान कई बार हीरे का चूरा जो बच जाता है वो वेस्ट मटेरियल के साथ नाली में बहा दिया जाता है। इस शहर के सफाई कर्मचारी नाली में से वो हीरे के टुकड़े जमा करते हैं और उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमाते हैं। सूरत हर किसी को रोजगार की सुविधा देता है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से भी बड़ी संख्या में युवा
रोजगार की तलाश में सूरत शहर का रुख करते हैं। दोस्तों माना जाता है कि सूरत के लोग बहुत मेहनत करते हैं। 2006 में आई बाढ़ के बाद जहां सूरत का लगभग 80% हिस्सा बाढ़ में था, पूरी दुनिया ने सोचा था कि सूरत 10 साल पहले चला गया है और उसे अपनी स्थिति फिर से हासिल करने के लिए 5 साल की आवश्यकता होगी। लेकिन 2 महीने के भीतर ये अपने ट्रैक पे वापस आ गया था और 2 साल में सूरत ने दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर बनने का मुकाम हासिल कर लिया था। ये सब यहां के लोगों की दिन रात की मेहनत का असर था। सूरत में आज कई बड़ी कंपनियों की शाखाएं मौजूद हैं, जिनमें ONGC, SR स्टील, भारत पेट्रोलियम, अल्ट्राटेक सीमेंट और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियां शामिल हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री प्राची देसाई, पूर्व अभिनेता संजीव कुमार और वर्तमान समय में भारतीय टीम के शानदार ऑलराउंड क्रिकेटर हार्दिक पांड्या जैसी कई महान हस्तियों का जन्म सूरत शहर में ही हुआ है। जब भी बात होती है भारत की संस्कृति की, तब तब गुजरात का नाम जरूर आता है। सूरत में काइट फेस्टिवल, मकर संक्रांति, होली, दिवाली, जन्माष्टमी और नवरात्रि जैसे त्योहार सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथ ही सूरत शहर अपने जायके के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको पूरे गुजरात में सबसे स्वादिष्ट खाना मिलेगा। सूरत का स्ट्रीट फूड भी कमाल का होता है। यहाँ पर आपको लोचो नाम की एक डिश खाने को मिलेगी। बताया जाता है कि खमन ढोकला बनाते समय गलती से इस डिश का आविष्कार हो गया था और आज इसे पूरे गुजरात में बहुत ही चाव से खाया जाता है। इसके अलावा कई प्रकार की सब्जियों से तैयार उंधियों के बारे में शायद आपने सुना भी होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में भी इस डिश का कई बार जिक्र किया जाता है। सूरत के स्ट्रीट फूड में सबसे लोकप्रिय सुरती सेव खमानी है। इन सब के अलावा सूरत की नान खटाई, रसा वाला खमन और भजिया जैसी अनेकों लाजवाब और स्वादिष्ट डिशेस का आनंद आप यहां ले सकते हैं। दोस्तों घूमने के लिहाज से भी सूरत एक शानदार शहर माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं सूरत में वो कौन सी जगह है जहां आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। दमस बीच सूरत का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये समुद्री तट अपनी काली रेत के लिए मशहूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने जमाने में यहां पर श्मशान घाट हुआ करता था और चिताओं के जलाने के कारण ही इस जगह की मिट्टी काली पड़ गई है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिट्टी में आयरन की ज्यादा मात्रा होने के कारण इसका रंग काला नजर आता है। सुबह और शाम के समय अक्सर लोग अपनी फैमिली के साथ सुकून के पल बिताने के लिए यहां पर आते हैं। दमस बीच के अलावा तिथाल बीच, सुवली बीच और हजारे विलेज में भी आप खूबसूरत समुद्री तटों की सैर कर सकते हैं। हजारे विलेज एक प्रमुख बंदरगाह भी है और यहाँ पर कई गर्म पानी के झरने भी मौजूद हैं जो सैलानियों को काफी आकर्षित करते हैं। साथ ही गोपी लेक भी सूरत में घूमने के लिए एक शानदार जगह है। इस झील का निर्माण 1510 ईस्वी में मालिक गोपी द्वारा कराया गया था। यहाँ पर एक 300 साल पुराना कुआं भी बना हुआ है। कहा जाता है कि इस झील के नीचे या आसपास एक गुप्त रास्ता है जो सीधे महाराष्ट्र तक जाता है। बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ कई प्रकार की एक्टिविटीज हैं। बोटिंग एंड जिपलाइन जैसी एक्टिविटीज भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने का डच गार्डन भी आपको काफी पसंद आएगा। इस गार्डन में कई किस्म के खूबसूरत फूल हैं और इस गार्डन में आपको वेस्टर्न कल्चर की झलक भी देखने को मिलेगी। स्नेह रश्मि बोटानिकल गार्डन में भी आपको चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधे ही नजर आएंगे और सरथाना नेचर पार्क में आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। ये एक चिड़ियाघर है जिसमें कई विलुप्त होने के कगार पे खड़े पशु पक्षी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर सूरत के इतिहास के बारे में जानना है तो आप एक बार सूरत फोर्ट की सैर अवश्य करें। इसे सूरत के पुराने किले के नाम से भी जाना जाता है जो ताप्ती नदी के तट पे बना हुआ है। 16वीं शताब्दी के दौरान सुल्तान महमूद तृतीय ने सुरक्षा के लिहाज से इस किले का निर्माण कराया था। अब जब भी सूरत जाएं तो एक बार जगदीश चंद्र बोस एक्वेरियम की सैर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर डॉल्फिन, शार्क, जेलीफिश समेत 100 से ज्यादा प्रकार की मछलियाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। सूरत शहर अपने मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, अंबिका निकेतन टेम्पल, साई बाबा मंदिर और विष्णु मंदिर जैसे तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूरत शहर आते हैं। शॉपिंग के लिए आप यहाँ की टेक्सटाइल मार्केट और चौक बाजार जा सकते हैं। रविवार को चौक बाजार पे लगने वाले मार्केट में आप काफी सस्ते दामों में बेहतर शॉपिंग कर सकते हैं। सूरत शहर आज हवाई, रेल और सड़क मार्ग से भारत के सभी प्रमुख शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से इसकी दूरी 284 किलोमीटर है और अहमदाबाद से सूरत 290 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑटो से लेकर बस तक शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है। सूरत घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम नवंबर से फरवरी के बीच का माना जाता है क्योंकि गर्मियों के दौरान इस शहर में तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस शहर का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। सबसे पहले महाभारत काल में इस जगह का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि मथुरा से द्वारका जाते समय श्री कृष्ण जी ने इसी जगह पे आराम किया था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों ने शहर पर कब्जा कर लिया और इसका इस्तेमाल एक प्रमुख बंदरगाह के तौर पे किया जाने लगा। कहा जाता है कि सन 1559 और 1560 ईस्वी के आसपास चंगेज खान भी सूरत शहर आया था क्योंकि व्यापार की दृष्टि से ये शहर उसे एक परफेक्ट जगह लगे थे, लेकिन पुर्तगाली गवर्नर ने चंगेज खान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। तो दोस्तों ये था भारत का सबसे साफ और सुंदर शहर सूरत। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई है सूरत से तो हमें जरूर बताइएगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको सूरत की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो सूरत और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ
साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।